नमस्कार, मैं हूं अंबर कलश और आप देख रहे हैं TV45। अभी हम मौजूद हैं धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में। आपको बता दें कि यह जो स्टेडियम है यह धनबाद के लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र हमेशा से रहा है। अगर इस ग्राउंड इसके इतिहास की बात करें तो बूढ़े बुजुर्गों के द्वारा यह बात बताया जाता है कि आज़ादी के पूर्व यहाँ पे जो अंग्रेज थे इसी ग्राउंड में गोल्फ खेला करते थे। हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद इस ग्राउंड को भी धीरे धीरे विकसित किया गया। इस ग्राउंड की आपको एक खास बता दें कि धनबाद जिले का यह एक ऐसा ग्राउंड है जहां सुबह के वक्त सबसे ज़्यादा संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। साथ ही ओपन जिम की यहाँ पर व्यवस्था की गई। आप देख रहे होंगे कि अभी हम जहाँ मौजूद हैं यहाँ पर नगर निगम के देखरेख में इन सभी चीज़ों को जो है लगाया गया। खासा आप देख रहे होंगे कि कई बच्चे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, लोग बड़ी संख्या में सुबह के वक्त आते हैं और यहाँ पे जो है मॉर्निंग वॉक का आनंद लेते हैं, ओपन जिम का आनंद लेते हैं। देख रहे होंगे कि यहाँ पे लाखों रुपए लगाकर, करोड़ों रुपए लगाकर सरकारी संपत्ति का जो है निवेश करके कई सुविधा देने का प्रयास किया गया था, लेकिन आप देख रहे होंगे कि हालात कैसे हैं। ये आप देख रहे होंगे कि लोगों के लिए जो व्यवस्था के लिए लगाए गए हुए ओपन जिम के सामग्री थे वो सुचारू रूप से जो है कार्यरत नहीं है। आप देख रहे होंगे कि कई चीज़ें आपको टूटी फूटी दिख रही होगी। कई महिलाएँ जो है यहाँ पर मौजूद होती हैं, कई बच्चे आते हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि शुरुआती दौर में इसकी जो पूरी देख रेख की व्यवस्था थी वो नगर निगम को दी गई थी। हालांकि कुछ समय तक हालात बहुत अच्छे रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया यहाँ पे भी जो है स्थितियाँ खराब होती गई। आपको आप देख रहे होंगे विजुअल के माध्यम से, मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूँगा दिखाएं कि आप देख रहे होंगे कि इस इतने बड़े पार्क में आपको जगह जगह पे लावारिस जानवर भी नज़र आ रहे होंगे और यह जो जानवर हैं ये आपको हर एक तरफ देखने को मिल रहे होंगे। तो इसे कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी डरे समय रहते हैं और वो खुल करके जो है पूरे इस पार्क में आनंद नहीं ले पाते हैं। इस लावारिस पशुओं को लेकर के आपको बता दें कि इनके भी देखरेख की जिम्मेदारी जो है नगर निगम को दी गई थी। पिछले 5 साल से लेकर अब तक जो भी यहाँ पर मेंटेनेंस का कार्य हो रहा है वो नगर निगम के ऊपर ही सौंपा गया था। आपको यह भी बता दें कि यहाँ पर जब सुबह का वक्त होता है तो आपको यह चीज़ बता दें कि आप पीछे मेरे कैमरे से देख रहे होंगे, मेरे कैमरे की नजरों से, कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ अपनी प्रतिभा को उजागर करने के लिए, उसे अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ सुबह से लेकर शाम तक जो है प्रैक्टिस करते हैं। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, या फिर हमारे जितने भी राष्ट्रीय खेल हैं उसको लेकर के छोटे छोटे बच्चे को यहाँ ट्रेंड किया जाता है। हाँ, यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आते तो यहाँ वॉशरूम का दिक्कत होता है, टॉयलेट करने के लिए दिक्कत होता है, बाहर जाना पड़ता है टॉयलेट के लिए। यहाँ वो वॉशरूम टॉयलेट बनाने चाहिए तो ये कष्ट करके बना दीजिए इसमें, और टॉयलेट वॉयलेट करने के लिए लेडीज़ लोग भी आती है। हम लोग भी केम का लड़का लोग को बहुत दिक्कत होता है टॉयलेट वॉयलेट करने में, दूर जाने पड़ता है। हम लोग तो सुबह 8 बजे आ जाते हैं जिस दिन मैच रहता है, और जिस दिन मैच नहीं रहता तो हम लोग 3 बजे आते हैं, 8 बजे से लेकर 6 बजे तक शाम तक। पानी वानी पीना रहा तो फिर जाना पड़ता है नगर निगम से पानी लाने पड़ता है। एक बोतल आते तो खत्म हो जाता तुरंत, इतना गर्मी है तो क्या करें, बहुत खत्म हो जाता, फिर लाने पड़ता है नगर निगम से। पानी बहुत दूर जाने के लिए लाना पड़ता है, यहाँ लग जाएगी तो बहुत हम लोग के लिए अच्छी होगी। मतलब जब आप लोग खेलते हो पानी पीने का व्यवस्था नहीं है? नहीं। तो आप लोग पानी कहाँ से लेकर आते हैं? दूर तो उधर से, नगर निगम तरफ से। हाँ, एक बोतल लाते फिर खत्म हो जाता, तब लाने जाते थे दूर से। कई ऐसे बच्चे हैं जिनसे जब आज हमने बात करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पे यह कहना था कि इतने पैसे खर्च करने के बाद भी जो कमियां हैं उसमें, एक छोटे बच्चे ने यहाँ तक कहा कि यहाँ पे उनके प्रैक्टिस के दौरान पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, और एक बच्चे ने यह भी कहा कि टॉयलेट की कमी है। तो साफ तौर पे हम यह कह सकते हैं कि जो भी यहाँ कमियाँ हैं उसको लेकर लोग नाराज़ दिखे। यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में यहाँ लोग जब आज मॉर्निंग वॉक के लिए आए तो उन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाया, और इसको लेकर के सभी लोगों ने क्या कुछ कहा यह आप भी सुनिए। हम लोग मॉर्निंग वॉक पर आ रहे हैं, बहुत सारी समस्याएँ हैं, यहाँ पर जिम की सुविधा दी गई है, हम लोग को रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, बट काफ़ी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वो काफ़ी
काफ़ी दिनों से बिगड़े पड़े हैं, हम लोग उसका यूज़ नहीं कर पा रहे, आ रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे कुछ हम लोग को हेल्प होगा, मेडिकल इशू जो भी होता है उसको यहाँ पे करते हैं तो अच्छा होता है, बट जिम है, कुछ चीज़ें बिगड़ी पड़ी है, उसके ऊपर देख रेख नहीं है, कुछ सामानों को मेंटेनेंस की ज़रूरत है, वो मेंटेनेंस नहीं होने के कारण वो जो दूसरे चीज़ को हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी बिगड़ चुकी है। जो भी है सारा रिपेयर चाहिए उसको, बहुत दिन हो गया और उसके बाद ये जिम का कंडीशन सही नहीं है, तो कहने का मतलब है जो जो है यहाँ पे उसको डबल किया जाए। अभी क्या 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 कुछ ख़राब है जैसे? क्या आप देख सकते हैं ये वाला, ये ख़राब है, करीब दो एक महीने हो चुका है इसको टूटे हुए, इसका एक और लगा है, एक इसके एक बगल में एक और होना चाहिए, ठीक है, और जो 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 है वो भी आज उधर का वो एक टूट गया है, तो जो है उसको फिर डबल किया जाए यही हम लोग कहेंगे। हम लोग इसका टेंडर किए थे तो 5 साल का मेंटेनेंस दिए थे और जो मेंटेनेंस के तहत सारा चीज़ लगातार मेंटेन हो रहा था वो मेंटेनेंस 5 साल वाला समाप्त हो गया है। अविलंब इसको 5 साल के लिए फर्दर मेंटेनेंस के प्रक्रिया में इसको डाल देना चाहिए और तब तक निगम को अपने स्तर से ठीक करना चाहिए। पिछली बार नगर आयुक्त आए थे उनको भी हम लोगों ने कहा था कि आप इन सब को करो, तो वो प्रक्रिया में लगता है काम में ज़्यादा बोझिल होते हैं तो ध्यान से उतरता होगा। आज हम लोग उनको फिर बैठ करके उनसे इसको काम करो तो करो, क्योंकि देखिए धनबाद में दो ही जगह है जो नगर निगम के तरफ से मॉर्निंग वॉक के लिए प्रॉपर वे में बनाई गई है, एक राजेंद्र सरोवर, दूसरा ये गोल्फ ग्राउंड। हालांकि ऐसे ऐसे 3-4-5 मिनिमम और होने चाहिए, कतरा, सिंदरी, झरिया, ये सब में और अलग अलग जगह पे भी, लेकिन जो भी है वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। भीड़ यहाँ पे बढ़ रही है और इसकी डबलिंग होनी चाहिए, जितने भी ओपन जिम है इसका क्रेज अच्छा है यहाँ पे और लोग अच्छे भाव से यहाँ पे अपने शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं और तंदुरुस्त शरीर निगम की प्रॉपर्टी है, ये निगम को समझना होगा, क्योंकि जितनी भी साफ़ सफाई होती है वो भी उसी के लिए होती है और सारा निगम का काम है अपने निगम के लोगों को तंदुरुस्त रखना, ये उनके काम में है। और आपको यह भी बता दें कि जब इस पूरे मसले को लेकर के हमने नगर आयुक्त से बात करने की कोशिश की। देखिए ओपन जिम लगाए गए हैं और ना सिर्फ बाकी कवि पार्क में, बाकी और भी पार्कों में हमने लगाए हैं, अभी हमने हाल में ही 5 पार्कों में जिम लगाए हैं। ये मैकेनिकल चीज़ें हैं, उसका इस्तेमाल होता है तो ख़राब होते रहता है, तो ख़राब होता है तो तुरंत तो बनना संभव नहीं है, कुछ मशीनें नहीं मिलती हैं, कुछ का पार्ट्स नहीं मिलता है तो उसमें डिले होता है, लेकिन सारी कार्रवाई चल रही है और जैसे जैसे ख़राब होता है हम लोग अभी हम लोगों ने आउटसोर्स तो नहीं किया है बट हम लोग स्वयं उसको मेंटेन कर रहे हैं। कुछ मुझे ज्ञात हुआ है कुछ जगह पर कुछ टूट है या फिर कुछ काम नहीं कर रहा है कोई मशीन, उसका पार्ट्स खरीदने की प्रक्रिया चल रही है, चूँकि सरकारी प्रक्रिया है तो हमें पार्ट्स उस प्रक्रिया से खरीदने पड़ते हैं, तो थोड़ा समय लगता है लेकिन सारी प्रक्रियाएँ चल रही हैं और कुछ पार्ट्स बाज़ार में उपलब्ध नहीं है, उसको ऑनलाइन आदेश दिया गया है सप्लाई के लिए, तो जैसे ही सप्लाई हो जाएगा उनको ठीक कर दिया जाएगा। अब मैकेनिकल चीज़ें हैं तो ख़राब होंगी और ठीक भी होंगी। तो उन्होंने अपने बातों में यही कुछ कहा कि सरकारी व्यवस्था होने के कारण उनके संज्ञान में यह पूरी बातें हैं और वो प्रयासरत हैं, अब देखने वाली बात होती है कि यह पूरी जो समस्या है यह कब तक जो है सही होगी, और सही मायने में अगर देखा जाए तो अभी भी आप देख रहे होंगे कि अभी भी कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आपको मौजूद दिख रहे होंगे, सभी लोग यहाँ आते हैं अपने सब परिवार के साथ आते हैं, सुबह के वक्त यहाँ का नज़ारा और भी यहाँ पे भीड़ रहते हैं और ख़ास करके ये जो ओपन जिम आप देख रहे हैं यहाँ पे अधिकतर लोग अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए यहाँ आते हैं, और यह भी कई बार कई महिलाओं द्वारा यह आज बताया गया कि कई बार पहले जो उपकरण थे बहुत से उपकरण यहाँ से हटाई भी गए उसकी व्यवस्था सही ना होने के कारण, अब हालात ऐसे हैं कि जो भी अगर कुछ भी एक दो सही बचे हुए भी हैं तो उसमें भी काफ़ी भीड़ हो जाता है और लोग सही से जो है सुबह में मॉर्निंग वॉक के दरमियान या जो पूरा ओपन जिम जिस सोच से बनाया गया था वो सुचारू रूप से कार्यरत नहीं है। और आपको यह भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कई ऐसे आपको मशीन दिख रहे होंगे जिसमें
जो लोगों के लिए पूरी व्यवस्था थी वो अब टूटी फूटी आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे कई बड़े पैमाने में यहाँ पे कई ऐसे मशीनें लगाई गई थी जिसके द्वारा लोग अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सके। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अभी यह जो मशीन है आपको दिख रहा होगा कि ये भी लोगों के हेल्थी फिट, यह अपने पैर और कमर की दर्द जो बुज़ुर्गों को होती है उससे छुटकारा में यह मशीन काफ़ी कार्य करता है। ऐसे में आप देख रहे होंगे कि यह भी जो है सही रूप से आप देख रहे होंगे कि नहीं यहाँ पर मौजूद है। तो सीधे तौर पे आज की इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद यही है कि जो भी आज यहाँ पे कमियाँ हैं जिससे लोग जो हैं काफ़ी दुखी हैं उसमें सुधार हो, और ख़ास करके धनबाद का यह जो आकर्षण का केंद्र हमेशा से रहा रणधीर वर्मा, आज यहाँ पे लोगों के लिए यह हमेशा से आकर्षण बन कर रहा है, लोग यहाँ आते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं परिवार के साथ, तो जो व्यवस्था है उसमें सुधार होनी चाहिए। हमारा यह खबर दिखाने का मुख्य उद्देश्य यही है। अब देखते हैं कब इस पूरे व्यवस्था में नगर निगम द्वारा सुधार किया जाता है। सहयोगी राजा हैदर के साथ मैं अंबर क्लस टीवी 45 धनबाद।